हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है किचन सेक्शन। तो आज हम किचन सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फूड प्रोडक्शन का कोर्स कर रहे हो या फिर आप होटल में गए, 5 स्टार होटल में डिनर करने, लंच करने, कुछ भी करने, आप सोचते होंगे ये जो खाना बन के आ रहा है क्या ये किचन ऐसी होती है जैसे हमारी घर की किचन होती है। जैसे हमारे घर में हम कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं, चाहे हम उसमें केक बना रहे हैं, हम चाइनीज खाना बना रहे हैं, हम मीठा स्वीट डिश बना रहे हैं, क्या यहाँ पर होटल में भी एक ही किचन होती है और एक ही किचन में सब कुछ बनता है? तो आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन आते होंगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि होटल के अंदर अलग अलग सेक्शन बांटे जाते हैं। वो क्यों बांटे जाते हैं अब आप ये भी सोच रहे, वो इसलिए ताकि आप हर किसी को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो कि मेरा क्या काम है। मुझे चाइनीज खाना बनाना था, मैं चाइनीज ही बनाऊंगा। मेरे को इंडियन खाना बनाना, मुझे इंडियन ही बनाऊंगा। और इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें क्या है कि हर किसी को जो है यहाँ पर इस होटल में जॉब मिल सकती है। जिनको चाइनीज खाना बनाना आता है उनको चाइनीज किचन में मिल जाएगी, जिनको इंडियन खाना बनाना आता है उनको इंडियन किचन में, जिनको काउंटी का खाना बनाना आता है उनको काउंटी के लिए। एक ये भी बेनिफिट है आप सबके लिए। अब बात करते हैं ये किचन सेक्शन ये है क्या चीज। किचन सेक्शन है कि एक किचन को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। अलग अलग सेक्शन का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे चाइनीज है तो चाइनीज का सेक्शन अलग होएगा, वहां पर सिर्फ ओनली चाइनीज ही खाना बनेगा। इंडियन है, वहां पर सिर्फ इंडियन का खाना बनाया जाएगा। कॉन्टी है, वहां पर सिर्फ कॉन्टी का, बट कॉन्टी 2 या 3 भागों में बांटी जाती है। क्योंकि क्वांटिटी को 3 भागों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि इनका प्रोसेस ही अलग है, उनका काम करने का तरीका ही अलग है। एक है पेंट्री डिपार्टमेंट होता है क्वांटिटी में, एक गार्डे मंजर, और एक होता है हॉट किचन। हॉट किचन का मतलब है जहां पर हर चीज गर्म बनती है। गार्डे मंजर का मतलब है जहां पर जो है बनेगा सिर्फ कोल्ड चीज, कोल्ड रेसिपी बनेगी यहाँ पर, कोल्ड रेसिपी। अब आप सोचेंगे कोल्ड रेसिपी है क्या, जैसे सैलेड वगैरह, फ्रूट जाते हैं यहाँ से, तो ये सब। तो अब हम बात करते हैं बुचे डिपार्टमेंट। इसके अंदर एक बुचे डिपार्टमेंट भी होता है, वो भी एक बुचे सेक्शन होता है। अब आप सोच रहे हैं ये भी किचन में क्यों आता है। वो क्यों, वो इसलिए आता है क्योंकि यहीं से अगर किसी को चिकन चाहिए, किसी को फिश चाहिए, किसी को मटन चाहिए, तो वो यहीं पर जाके लेकर आते हैं और बोलते हैं। इंडियन वाले को चाहिए होता तो वो अपना इंडियन का लेके आते हैं, क्वांटी वाले को चाहिए तो वो क्वांटी का लेके आते हैं। इसके बाद एक होती है कुमिश्री। कुमिश्री में हर तरह की वेजिटेबल्स होगी, फ्रूट्स होंगे, वहां जाके आपको लेके आना पड़ेगा। और यहाँ तक कि और एक सेक्शन जो है आपका होगा जहाँ पर अनियन, खूब सारे अनियन पील करे जाते हैं, खूब सारे आलू पील करे जाते हैं, और जहाँ जहाँ जौन से डिपार्टमेंट को जो जो चीज़ चाहिए होती है, अन्य जहाँ पर चाहिए होते हैं उनको, उस हिसाब से कितने केजी में उनको चाहिए वहाँ पर भेजा जाता है। एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट भी होता है, स्टोर सेक्शन, जहाँ से सामान, ये जो एरिया है ये बैक एरिया में होता है। और जो ये किचन है, आप फ्रंट में बैठ के, फ्रंट रेस्टोरेंट में आप खा रहे हो, बट ये सारा जो खाना है ये सब बैक में बनता है, बैक साइड में बनता है, और बैक से बनकर ही आप तक पहुंचाया जाता है फ्रंट पे। ये कोई जो चाइनीज जो सेक्शन होता है वो जो है वो फ्रंट पर होता है, लाइव होता है, क्योंकि लाइव पर चाउमीन बनाते हैं, तो ये एक लाइव सेक्शन भी रखा जाता है। ये ज़्यादातर कैफे हो गया, या फिर आपका कोई भी रेस्टोरेंट जहाँ पे चाइनीज रेस्टोरेंट होएगा स्पेशल, वहाँ पर आपको लाइव दिखाया जाएगा नूडल्स बनाते हुए। चाइनीज की किचन एक लाइव रखी जाती है जिससे देखने में लोगों को अच्छा लगता है और देखते हैं कि हाँ एक शेफ खाना बना रहा है हमारे लिए। तो ऐसा एक सेक्शन अलग रखा जाता है। इसके बाद जो मैं बात करती हूँ बैक गेट की, जहाँ पर स्टोर का सेक्शन होता है, वो भी किचन से रिलेटेड ही है, क्योंकि वहाँ पे जो रोग सामान आ रहा है वो किचन के लिए ही आ रहा है। एक स्टोर आता है और कहाँ पर जो है इनको रखनी, मीन्स रिसीविंग के बाद आपको स्टोर कहाँ करना है, एक स्टोर सेक्शन होता है जहाँ पर ड्राई स्टोर आपको रखा जाता है। एक होता है आपका जहाँ पर वाइन वगैरह, वाइन भी होती है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, वो भी कहाँ पर रखी जाती है। रिसीविंग जो है, रिसीविंग करने के बाद कहाँ पर स्टोर करना है,
डेयरी प्रोडक्ट आपको आता है, डेयरी प्रोडक्ट को कहाँ करना है वो वाला सेक्शन भी आपका होता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज बनती है किचन के अंदर, मीट से लेकर दूध, वेजिटेबल्स, कुछ भी हो गया, इन सबके अलग अलग सेक्शन में इसलिए बांटा गया ताकि सबको अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, और ये जो जितना भी सामान है स्टोर है, स्टोर भी अच्छे से रह पाए, और बुचरी का सामान है वो भी अच्छे से रह पाए, सबकी एक्सपायरी डे बाई डे पता चलती रहे, दूध है, बटर है, पनीर है, ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे रखा और कब आया है और कब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए सेक्शन अलग अलग बांटे जाते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गैस का खाना जब भी बनता है, कोई भी ऑर्डर आता है, फटाफट से बन जाए, क्योंकि एक किचन में सब कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि घर की बात अलग है। घर में जब मन कर रहा है, जैसे आज मन कर रहा है हमारा जो है, मन कर रहा है छोले कुलचे खाने का, तो आज हम वही बनाएंगे। होटल में ऐसा नहीं होता, होटल में कोई गेस्ट नूडल्स मांग रहा है, कोई गेस्ट जो है सूप मांग रहा है, कोई गेस्ट जो है बटर नान एंड लच्छा परांठा, दाल मखनी, ये सब मांग रहा है, तो ये एक ही किचन में रह के नहीं बन सकते। तो इसलिए किचन के अलग अलग सेक्शन हैं, और ये सब जो आता है फूड प्रोडक्शन में आता है, और फूड प्रोडक्शन के अंदर ये सारे किचन के सेक्शन हैं जो फूड प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया कि फूड प्रोडक्शन क्या होता है, ऊपर से किचन सेक्शन क्या होता है, और ये किचन सेक्शन को अलग अलग डिवाइड क्यों किया गया है। वो इसी कारण से डिवाइड किया गया है ताकि खाना जल्दी बन पाए, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसका जो काम है वो फटाफट से करे और गेस्ट तक वो खाना अच्छे से पहुंचे। और इससे क्या बेनिफिट है, इससे हर किचन नीट एंड क्लीन रहती है, हाइजीनिक रहती है, और हर जो जितने भी शेफ है वो वेल ग्रूम भी रहते हैं, और एक साथ काम करने में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, मिल बांट के काम करते हैं और एक लीडरशिप बनी रहती है। तो चलिए इस वीडियो का ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।